डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में अभी तक हम लोग अंडर डैम सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे, और हम लोग पोल के लोकेशन के अनुसार सिस्टम का रिस्पॉन्स हम लोग बढ़ रहे थे। सर, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सीखने को मिलेगा। एक ही सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ की आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करो, चैनल को थोड़ा ग्रो कराओ। जैसे हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा, हम लोग जल्दी लाइव भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आप लोग सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आने पर लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, हम लोग जो भी टॉपिक लेकर के चल रहे हैं उसको कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। माइक्रो प्रोसेसर भी हमारा अपलोड होगा, पहले तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इस बार देख रहे कि थोड़ा डाउन हुआ है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है क्या, इसीलिए शायद वैसा हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, लेकिन पहले सारे वीडियोज में मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोग का। एक बार थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, और पसंद आने पर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो वेलकम टू टेक्निकल डोप। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर, आज पढ़ेंगे क्रिटिकल डैम्ड। वेट वेट वेट, आज पढ़ेंगे सर हम लोग क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोग अंडर डैम्ड अनडैम्ड के बारे में पढ़े थे सर, पोल के लोकेशन के अनुसार, और उसका हम लोग सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन लिख करके हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे सर। आज हम लोग सर उसी में आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि सर इसमें हम लोग को और क्या क्या केसेस पढ़ सकते हैं। तो हमारा दो केस बच रहा है, क्रिटिकल डैम्ड और सर हमारा ओवर डैम्प्ड। ठीक है, चलिए सर, क्रिटिकल डैम्प्ड का केस क्या होता है जिसमें जीटा का वैल्यू 1 होता है। क्रिटिकल डैम्प्ड के केस में जीटा का वैल्यू हमारा 1 होता है। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता था सेकेंड ऑर्डर का, वो आता था एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जीटा का वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बैठाएंगे तो सर हमारा एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा पोल का लोकेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 पोल आएगा एस वन एच टू, जो कि हमारा क्या आएगा सर प्लस, वेट वेट, एस वन एच टू का जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा सर माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन। ठीक है, 2 पोल का लोकेशन आएगा। क्लियर है, हम लोग इससे पहले अनडैम्ड अनडैम्ड पढ़ लिए थे, और हम लोग ये हमारा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि डिनोमिनेटर का हमारा पोल्स का लोकेशन है। ठीक है, अब चलो इसका हम लोग पोल्स का लोकेशन ड्रॉ कर लेते हैं जैसे बाकी सारे केस में करे थे, कि हमारा इसमें पोल्स कहाँ कहाँ पे बनेंगे सर। तो कई बार क्या होता है ना कि आप पोल्स के लोकेशन के अनुसार क्या करते हो सर, आप बता सकते हो कि सर हमारा सिस्टम किस टाइप का सिस्टम बन रहा है, अनडैम्प्ड बन रहा है, अंडर डैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड या क्रिटिकल डैम्प्ड। ठीक है, तो उस अनुसार भी आप कॉमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा पोल रिपीटिंग पोल है सेम लोकेशन पर निगेटिव साइड में, यानी कि एल एच एस। इसको हम लोग बोलते हैं एल, वेट करो वेट करो, 2 पोल हमारा है सेम लोकेशन पे आ रहा है, 2 पोल। ठीक है, 2 पोल हमारा सेम लोकेशन पे आ रहा है। क्लियर है, ये चीज़ आपको दिख गया किसके केस में सर, क्रिटिकल डैम्प्ड के केस में। अब जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और, ये हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा है रियल एक्सिस। अब तो सर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा सिस्टम के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। चलिए सर, वो भी हम लोग पढ़ते हैं सर थोड़ा सा, बस देखते रहो आप लोग अच्छे से, एकदम शुरू से अंत तक देखोगे ना तो जरूरी कुछ अच्छा सीखोगे। मेरा पूरा भरोसा है कि जरूरी कुछ अच्छा सीखोगे आप, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप नहीं सीखोगे। यहाँ पे बस पूरे वीडियो को देखो, एकदम पहले वीडियो से लेकर अभी तक टाइम रेस्पॉन्स का पूरा कंप्लीट करो, देखो कितने अच्छे से आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हमारा ले लो सर आर एस इनपुट होता है और सी एस हमारा आउटपुट होता है सर। ठीक है, आर एस का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं सर 1/s, क्योंकि हम लोग स्टेप को अभी एनालिसिस कर रहे हैं 4 केस लेके, अनडैम्प्ड अंडरडैम्प्ड क्रिटिकल डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं रुको, 2 जीटा, जीटा का वैल्यू तो नहीं लिखना ना, वेट करो, यहाँ पे हमारा आएगा, वेट करो वेट करो, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट कर लो, देखो हम लोग फिर से इसको ड्रॉ कर रहे हैं सर, आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है सर, ओमेगा एन होल स्क्वायर बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यही हमारा आया है सिस्टम का इक्वेशन। अगर हमको यहाँ पे सी एस के बारे में कुछ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे सर, सी एस जो होगा हमारा 1/s इंटू
ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर होगा। ठीक है सर, ये हमारा आएगा सी एस का इक्वेशन। अब इसको हम लोग सर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे सी एस, क्योंकि इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, रिपीटिंग पोल है, तो हम कैसे लिखेंगे सर, ए बाई इसको ले लो ये ना, वेट करो, ये हमारा हो जाएगा ए बाई एस बी बाई एस प्लस ओमेगा एन सी बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए का वैल्यू आता है सर, आप लोग फाइंड आउट कर लोगे 1, बी का वैल्यू आता है -1 और सी का वैल्यू आता है -ωn। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद से सर हम लोग यहाँ पे सी एस लिखेंगे, तो क्या होगा, सी एस हमारा हो जाएगा 1/s - 1/s+ωn -ωn/s+ωn का होल स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे सर इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तब हमारा क्या मिलेगा सर, सी टी का वैल्यू मिलेगा। सी टी निकालेंगे हम लोग कैसे, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से 1/s का 1 होता है, एस प्लस ओमेगा एन का होगा होगा ई टू डी पावर माइनस, बोलिए ई टू डी पावर माइनस ओमेगा एन इंटू टी, माइनस ओमेगा एन इंटू टी हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, एक्सपोनेंशियल ई टू डी पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, स्क्वायर का 1/t² है ना, 1/s² है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, टी होगा। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं सर। चलिए अब हम लोग जो है ना, हमारा इक्वेशन ये सी टी का मिल गया, इसको ब्रैकेट में कर लो, इम्पोर्टेंट है, ये सारे रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ग्राफ के लिए फायदे करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग अगर सी टी को ड्रॉ करते हैं सर, तो हमारा सी टी कैसा आता है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा सी टी कैसा आएगा वो हम लोग को यहाँ पे देखना है सर। ये किसका ग्राफ है सर, सी टी का है। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं सर, सी टी का जो कर्व है कैसे होगा, ये एक्सपोनेंशियल राइज करेगा, अगर आपको बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल राइज करेगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू इसका 1 आ रहा है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, आउटपुट ऑफ क्रिटिकल डैम्प सिस्टम एक्सपोनेंशियली राइजेस टुवर्ड इट्स डिजायर वैल्यू, यानी कि जो भी डिजायर वैल्यू है, ये ग्राफ हमारा सी टी का कहाँ जा रहा है सर, डिजायर वैल्यू के पास जा रहा है, एक्सपोनेंशियल राइजिंग है। इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप एक बार इसको करके देख सकते हो। क्लियर है, चलो, यानी कि हमारा इसको अगर हम लोग थोड़ा सा करेंगे ना, तो 1 - e^(-) जो ओमेगा एन टी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + ωn(t). ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम इक्वेशन को। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, यानी कि हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, द आउटपुट ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, द आउटपुट ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम एक्सपोनेंशियली राइजेस टुवार्ड्स इट्स डिजायर। देखो आप लोग जितना ही शेयर करोगे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बनता है, जितने बच्चे जुड़ेंगे तो मेरे को भी वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेगुलर ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा जो सर सी टी का ग्राफ है वो डिजायर वैल्यू की तरफ एक्सपोनेंशियली डाइज करके बढ़ रहा है सर। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब जो है, अब सर हम लोग जो है ना इसमें अगला केस पढ़ेंगे, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में सर पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट केस हमारा जो है वो है ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में क्या हम लोग जानते हैं सर, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में हमारा सर जीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है सर, जीटा इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, s² + 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एस वन और एस टू का वैल्यू क्या आएगा, एस वन और एस टू का जो वैल्यू आएगा -ζωn+-, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा इमेजनरी पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा जीटा का पहले वाले इक्वेशन में क्या हो रहा था, -ζωn+-ωn√ζ² - 1। तो हम लोग जब जीटा लेस देन 1 लेते थे, यानी कि अंडर डैम सिस्टम के लिए, तब हमारा इमेजनरी पार्ट आता था, लेकिन ओवर डैम पर में इमेजनरी पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। दो पोल का लोकेशन होगा, एस वन हमारा होगा
माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन। एस टू जो होगा हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन। दो पोल का लोकेशन हमारा होगा, दोनों पोल जो होंगे रियल पोल्स होंगे, रियल पोल। क्लियर है आपकी? कुछ समझ में आ रहा है? दोनों पोल का लोकेशन डिफरेंट होगा और दोनों पोल जो लाइज करेगा हमारा एलएचएस में लाइज करेगा। सब कुछ आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ कैसे। सर अब देखोगे दोनों पोल हमारा जो होगा, देखो यहाँ पे वो एलएचएस में है सर, निगेटिव साइड में रियल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलिए दोनों पोल का लोकेशन क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं सर। मान लेते हैं एक पोल हमारा कुछ यहाँ पे है, एक पोल हमारा कुछ यहाँ पे है, एस वन और एस टू। क्लियर सर? आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर दोनों पोल का लोकेशन हमारा जो होगा निगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर होगा सर। क्लियर है? निगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर दोनों पोल का लोकेशन हमारा होगा, एस वन और एस टू का। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं सर, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि सर हमारा टाइम कॉन्स्टेंट जो होता है ना, टाइम कॉन्स्टेंट जो होता है, टाइम कॉन्स्टेंट, मैं डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, वो हमारा होता है वन बाई डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम इमेजनरी एक्सिस, फ्रॉम इमेजनरी एक्सिस। ये हमारा है सर इमेजनरी एक्सिस, ये हमारा सर है रियल एक्सिस। हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, टाइम कॉन्स्टेंट। अब बताओ हमारा एस वन और एस टू में कौन से पोल का लोकेशन का टाइम ज़्यादा है सर? एस वन का टाइम ज़्यादा है क्योंकि नज़दीक है, ये हमारा किससे नज़दीक है सर? ये हमारा नज़दीक है किससे सर? इमेजनरी एक्सिस से। ठीक है, ये हमारा नज़दीक है किससे सर? इमेजनरी एक्सिस के। और ये हमारा सर दूर है किससे सर? इमेजनरी एक्सिस से। क्लियर है? यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर कि हमारा सिस्टम को जो है ना, मान लो दो दो टाइम कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा सिस्टम अगर कम टाइम में काम कर रहा है तो हमारा एक टाइम को हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर वो पोल का हमारा क्या हो जाएगा सर, वो हमारा हो जाएगा ना सर डोमिनेंट पोल। तो यहाँ पे हमारा ये होता है सर एस वन हो जाता है डोमिनेंट पोल, डोमिनेटिंग पोल, डोमिनेटिंग पोल। वजह क्या है आगे आपको समझ में आएगा डोमिनेंट पोल जब पढ़ेंगे तो। और इसके वजह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, नेगलेक्ट कर सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि देखो सर मान लो कि हमारा टी वन टाइम में अगर पोल का लोकेशन ये दो पे है, ये चार पे है, तो टी वन टाइम के लिए कितना लग रहा है? 1/2, 0.5 सेकेंड, एक रफ आइडिया। टी टू के लिए क्या लग रहा है सर? 1/4, यानी कि 0.25 सेकेंड। तो एक बात बताओ आपका सिस्टम का टोटल टाइमिंग जो है ना काम करने का है 0.4 सेकेंड, यानी कि 0.4 सेकेंड में वो काम कर ले रहा है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस बच रहा है? इसका कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या इसके वजह से? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर। तो इसीलिए हम लोग इसको रिमूव भी कर देंगे तो हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? यही चीज हमारा होता है डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हम लोग जो है ना इसमें और आगे क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा सर वो क्या आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। हम लोग इसका पोल के लोकेशन को क्या मान ली है, एस वन और एस टू दो पोल मान ली है पहले ही। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस प्लस एस वन, दोनों लेफ्ट साइड में है, एस प्लस एस टू। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं सर हमारा, रुको, हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, फिलहाल के लिए ये समझो। अब हम लोग सर इसको सिस्टम के साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं जैसे बाकी सब में करें। देखिए ठीक है, चलिए हम लोग क्या बोला सर, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आया, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस प्लस एस वन। देखो थोड़ा सा हम लोग जो है ना इसको एनालिसिस को इजी करने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या किए, एस वन एस टू में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा सी एस है, इसको एनालिसिस करना है। यहाँ हमारा आर एस का वैल्यू 1/s है जैसे हम लोग पहले ऑलरेडी करते आए हैं, तो सी एस का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगा सर, 1/s इंटू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस प्लस एस वन एस प्लस एस टू। हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं सर, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस एस वन प्लस सी बाई एस प्लस एस टू। और हम लोग क्या बोले सर कि इस एस टू के वजह से, इस एस टू के वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसको हम लोग चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं सर, इस एस टू को हम लोग चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर कि ये पोल जो है ना हमारा, ये पोल हमारा इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। वजह क्या है सर, डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट आगे आपको ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए समझो कि इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसका
कोई इफेक्ट नहीं है सर हमारे सिस्टम के ऑपरेशन में, क्योंकि हम लोग पोल के ऊपर हमारा इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या बोले कि सर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं, इस पोल को हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद से जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सर यहाँ से हमारा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग को लिखना है सर। ठीक है, हम लोग ए और बी यहाँ से निकालते हैं। देखो ए का वैल्यू 1 आ रहा है, देखो नेक्स्ट पेज में आता है सर। यहाँ पे हम लोग जो है ना, अगर हम लोग डायरेक्ट अगर सी एस लिखें तो क्या लिख सकते हैं सर, 1/s माइनस b/s+s1। हम लोग क्या किए सर, सी को हटा दिए, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सी टी होगा 1 - b(e^(-s1t). क्लियर है, s1t। यहाँ से सर हमारा s1 जो है ना बहुत कम आ रहा है, ओमेगा एन से बहुत छोटा होगा, s1 हमारा बहुत छोटा होगा ओमेगा एन से। क्लियर है, अगर हम लोग दोनों को, दोनों भी ग्राफ को अगर इंटरमिक्स करें तो हमारा सर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है सब चीज़ें। ये भी सर एक्सपोनेंशियल राइज होगा, लेकिन सर इसको डिजायर वैल्यू तक आने में बहुत टाइम लगेगा, ये स्लगिश हमारा हो जाता है, ये स्लो हो जाता है, ये ओवर डैम्प्ड की वजह से ये स्लो हो जाता है सिस्टम। ठीक है सर, ओवर डैम्प्ड का इम्पैक्ट यही होता है कि सर सिस्टम स्लो होता है। क्रिटिकल डैम्प में क्या होगा सर, इसको डिजायर वैल्यू तक आने में बहुत कम टाइम लगेगा, सटासट आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा सर डिजायर वैल्यू तक आने में। यही हमारा क्या होता है सर, बेसिक डिफरेंस होता है क्रिटिकल डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड के बीच में। अब देखो यहाँ पर लिखोगे सर, द आउटपुट ऑफ ओवर डैम्प्ड सिस्टम डज नॉट हैव एनी ओसिलेशन बट इट टेक मोर टाइम टू रीच अप टू फाइनल वैल्यू एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्प्ड। ठीक है, एज कंपेयर टू क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। सब चीज़ें जो है ना थोड़ा सा एनालिसिस की चीज़ें, बहुत ही आसान चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग ए और बी के बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहना, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पार्शियल एक बार सॉल्व करो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एस कैसे छोटा एस वन ओमेगा एन से जीटा का वैल्यू दे करके आप चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आते हैं सर कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि सर हमारे जनरली डिजाइन में हमारा जो है ना जीटा का वैल्यू क्या लेते हैं। तो इसमें लिखोगे सर, जनरली वी डिजाइन अंडर डैम्प्ड सिस्टम इन विच जीटा का वैल्यू कैसे क्या होता है सर, अंडर डैम्प्ड में जीटा लेस देन 1 होता है, इन विच जीटा का वैल्यू जो होगा ना सर 0.6 से लेकर के 0.8 के बीच में होगा। इसके पीछे वजह क्या है सर, बिकॉज देखो मैं इसके पीछे वजह उसको मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें, फॉर दिस वैल्यू ऑफ जीटा द सेटलिंग टाइम, द सेटलिंग टाइम ऑफ, आगे हम लोग को पढ़ना है सेटलिंग टाइम के बारे में, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, द सेटलिंग टाइम ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम इज लोअर देन, इज लोअर देन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, सेटलिंग टाइम का मतलब है कि सर सिस्टम का रिस्पॉन्स कब जाके सेटल हो रहा है अपना डिजायर वैल्यू के तरफ। आगे हम लोग को पढ़ना है सर, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग पढ़े थे, लेकिन और डिटेल में पढ़ना है सर सेकेंड ऑर्डर वाले में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है सर कि अगर हम लोग सर इफ़ वी डिजाइन, अगर हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम डिजाइन करते हैं, इफ़ वी डिजाइन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम तब क्या होगा वो देखो, इफ यू डिजाइन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम विथ जीटा इज इक्वल टू 1 तब क्या हो सकता है सर, इसके वजह से हमारा क्या होगा, देन ड्यू टू कुछ हमारा सर डैम्पिंग एटमोसफेयर की वजह से मिलता है, ड्यू टू सम डैम्पिंग,
डैम्पिंग मतलब कि जो रजिस्ट करे सिस्टम के रिस्पॉन्स को, डैम्पिंग प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट डैम्पिंग इज मोर देन क्रिटिकली डैम्पिंग मोर देन क्रिटिकली डैम्पिंग या डैम्प लिख लो, मोर देन क्रिटिकली डैम्पिंग एंड सिस्टम इज मोर स्लो। अब भी देखो सर, जीटा ग्रेटर देन वन पर सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। कुछ नहीं सर, थोड़ा बहुत पार्शियल फ्रैक्शन में आपको डाउट होगा, अब वो भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं मिलेगा आपको आगे में कहीं पर भी, ठीक है। आपको आगे में बस जो है ना अप्रोच को डेवलप करते चलना है और हम लोग को पढ़ते चलना है। आगे में कुछ भी आपको पार्शियल का यूज नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत पार्शियल का यूज यहाँ मिलेगा तो आप पढ़ लो पहले से, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिले टाइम, राइज टाइम, पिक टाइम, पिक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर करो, बताओ वीडियो कैसा है, कहीं पे डाउट हो पूछो, टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ इलेक्ट्रिकल ये करके टेलीग्राम चैनल है, सब जगह जुड़ो और हम लोग जो है ना नेक्स्ट में बहुत अच्छा ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।